अपनी वीडियो की ऑडियो और वीडियो क्वालिटी ठीक करते करते परेशान हो गए, तो ये सेटिंग आप अपने वीडियो में करिए जो यूट्यूब खुद रिकमेंड करता है, जिससे आपका अपलोड के बाद का इशू खत्म हो जाए। तो कोशिश करते हैं कि उसको हम आपको बता पाएं कि कैसे करना है जो यूट्यूब ने बताया है। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑडियो इशू जनरली क्या होता है, ऑडियो और वीडियो जो होता है सिंक्रोनाइज नहीं करता, आपका या तो ऑडियो छोटा है या तो वीडियो छोटा है, जिसकी वजह से आपका ऑडियो इशू आता है। दूसरा इशू होता है कि आपका कंप्यूटर पे तो ऑडियो ठीक चलता है लेकिन मोबाइल पे नहीं चलता है, और लोग आपको कंप्लेन करते हैं, टीज करते हैं और बोलते हैं कि आपका इतने दिन से काम कर रहे हैं फिर भी आपका ऑडियो सेक्शन ठीक नहीं आ रहा है। तो उसका सलूशन ही या तो माइक खरीदिए और या तो अपने वीडियो को इस तरह का बनाए कि, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती इसलिए है कि मोबाइल में एक ही स्पीकर होता है और कंप्यूटर में आपका या लैपटॉप में आपके दो स्पीकर होते हैं। तो जब आप कंप्यूटर का वीडियो आप मोबाइल पे चलाते हैं तो वो मोनो कंपैटिबल नहीं होता है, जिससे कि आपका प्रोसेस करते समय ऑडियो क्वालिटी म्यूट हो जाती है और या तो लो हो जाती है, जिसकी वजह से मोबाइल पे प्रॉब्लम आती है और लोग आपके वीडियो को प्रॉपर ढंग से सुन नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि इन फेज ऑडियो लीजिए और कोशिश करिए कि वो मोनो कंपैटिबल हो। अदर ऑडियो और वीडियो इशू, इसके अलावा भी इशू होता है कि उसके लिए आपको अगर मोबाइल पे है तो मोबाइल पे एडिटिंग प्रोग्राम खोलिए और अगर कंप्यूटर पे है तो कंप्यूटर पे एडिटिंग प्रोग्राम खोलिए और उसकी वीडियो की सेटिंग को वेरीफाई करिए इसको, और फिर तब सेव करके तब एक्सपोर्ट करिए। तो वीडियो की सेटिंग क्या मानता है यूट्यूब, ये हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आपका स्क्रीन रिकॉर्डर में ये फैसिलिटी है या आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी है तो आप उसको सेट कर लीजिएगा, जिससे कि आपका ऑडियो वीडियो प्रॉपर आए। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर की क्वालिटी इसलिए, वीडियो की क्वालिटी इसलिए ख़त्म ख़राब जाती है क्योंकि जब आप अपलोड करते हैं किसी वीडियो को तो यूट्यूब उस वीडियो को कंप्रेस करता है। अब कंप्रेस की टाइप क्या होती है, H.264। तो जब वो कंप्रेस करता है तो आपकी ऑडियो डबल रिड्यूस होती है और वीडियो हाफ रिड्यूस होती है, जितनी आपकी लेंथ होती है उससे हाफ रिड्यूस होती है लेकिन ऑडियो आपकी डबल रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से ऑडियो हमारी बहुत धीमी हो जाती है। और उसका फ्रेम रेट आपको क्या सेट करना पड़ेगा, 24 से लेके 60 फ्रेम पर सेकंड सेट कर सकते हैं, जिसमें से हम लोग 30 फ्रेम पर सेकंड सेट करते हैं और हाईएस्ट क्वालिटी 60 फ्रेम पर सेकंड होती है। अदर लेस कॉमन फ्रेम रेट लाइक्स जो यूट्यूब पे चलता है वो 23.98, 29.97, 59.94 सेकेंड है, 94 फ्रेम पर सेकेंड है। तो ये भी एक्सेप्टेबल है लेकिन ज़्यादातर हम लोग 30 या 60 FPS पे बनाते हैं। अगर लो क्वालिटी का बनाना होता है तो 32 और अगर हाई क्वालिटी का बनाना होता है तो 60 फ्रेम पर सेकेंड पे बनाते हैं। अब ये हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी की बात इसलिए उठती है कि अगर आपका इंटरनेट बहुत अच्छा नहीं है, उसकी ट्रांसफ़र रेट बिट पर सेकेंड मिलियन पर सेकेंड सही नहीं है तो आपको लो फ्रेम रेट पे अपने वीडियो को बनाना पड़ेगा और उसको अपलोड करना पड़ेगा। डेटा रेट और की फ्रेम जो होता है वो आप ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं और फ्रेम रिकॉर्डिंग को अनचेक कर सकते हैं रिकॉर्ड करते समय। तो जब ये सारी सेटिंग आप करिएगा तो आपका जो वीडियो बनेगा तो फिर जब यूट्यूब कंप्रेस करेगा तो आपकी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी सही रहेगी। अब रिकमेंडेड ऑडियो साउंड सेटिंग क्या दे रहा है कि AAC-LC एडवांस ऑडियो कोडिंग की लॉसलेस कोडिंग की फॉर्मेट बताता है। इस फॉर्मेट पे अगर आप ऑडियो को बनाते हैं और उसका बिट रेट 128 किलो बिट पर सेकंड से लेकर 256 किलो बिट पर सेकंड रखते हैं तो उसकी अच्छी
परफॉर्मेंस होगी, और सैम्पल रेट आपका 44,000 टू 100 से लेकर 48,000 तक होना चाहिए। अब ये सारे स्पेसिफिकेशन आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डर या आप जिसमें अपने वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं उसमें सेट कर लीजिए। उसके बाद अदर सेटिंग आती है। अदर सेटिंग में साइज चूज द ओरिजिनल साइज ऑफ द वीडियो। अगर 16:9 लेते हैं तो वही साइज आप सेट कर चूज करिए। अपलोड करते समय दूसरी कोई साइज को मत अपलोड कीजिए, नहीं तो आपका वीडियो अच्छे से काम नहीं करेगा। न्यू वीडियो कांट बी प्लेड इन हायर क्वालिटी। अब वीडियो के साथ क्या इशू आता है कि जब आप नया नया वीडियो अपलोड करते हैं तो वो हायर क्वालिटी 4K 1080p में नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि YouTube जो होता है आपका वीडियो कंप्रेस कर देता है, और कंप्रेस करते समय वीडियो लो क्वालिटी का हो जाता है और उसको कुछ समय लगता है हाई क्वालिटी में आने में प्रोसेसिंग के बाद। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप अपना वीडियो अनलिस्टेड में अपलोड कीजिए। सब ये बताते हैं कि अनलिस्टेड में करिए, लेकिन उसका रीज़न नहीं बताते। उसका रीज़न यही है कि जब वीडियो कंप्रेस होता है तो वो लो क्वालिटी में अपलोड होता है यूट्यूब पे, और जब वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है तब वो हाई क्वालिटी 4K 1080p में आता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि जैसे ही अपलोड कीजिए तो अनलिस्टेड में करिए, और तुरंत किसी को शेयर मत करिए, ना तुरंत आप उसको अपलोड करने के बाद शेयर करिए कहीं पे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके वीडियो में कलर सही से नहीं आता है। मेक श्योर योर वीडियो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कलर प्राइमरीज एंड कलर मैट्रिक्स कोफिशिएंट मेटाडेटा मैच हाउ द वीडियो वाज मास्टर्ड। अब इस पे डिपेंड करता है कि आपका कलर कौन सा प्राइमरी कलर लिया और उसके मैट्रिक्स के क्या कोफिशिएंट्स हैं, उसके मेटाडेटा क्या है। ये सारी चीज़ें वीडियो में आपको सेटिंग के समय अगर आप दे देते हैं प्रॉपर, तो आपका वीडियो अच्छे कलर में दिखाई देगा। नॉन HDR वीडियो यूज़ BT709 HDR वीडियो। अब ये सारी सेटिंग आपकी एडिटिंग सॉफ्टवेयर या रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में होगी तो आप उसको सेट कर लीजिएगा, या कैमरा से करते हैं तो उसको सेट कर लीजिएगा। हर किसी के पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी तो वो स्क्रीन रिकॉर्डर से काम करता है, तो जितनी आप सेटिंग कर सकते हो उसको कर लो। बाय डिफ़ॉल्ट जो होगी वो आपकी सेट हो जाएगी और आपका वीडियो अच्छा बनेगा। अदर ऑडियो और वीडियो इशू। ओपन द वीडियो इन अ वीडियो एडिटिंग ऐप। हमने पहले आपको बता दिया है कि आप वीडियो की सेटिंग कैसे करिए। यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया है कि वीडियो सेटिंग करते समय आप कंप्रेशन टाइप H.264 ले लीजिए, फ्रेम रेट 30:60 ले लीजिए, 30 या 60 ले लीजिए, और डेटा रेट ऑटोमेटिक, की फ्रेम ऑटोमेटिक, फ्रेम रिकॉर्डिंग ऑन चेक कर दीजिए, और अगर साउंड की लेते हैं तो AAC LC फॉर्मेट लीजिए, बिट रेट 128:256 kbps लीजिए, और सैम्पल रेट इतना लीजिए। तो ये आपका वेरीफाई वीडियो सेटिंग हो जाएगा और उसको सेव करके हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर। इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसको ट्राई करिए। अगर आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें इतनी सेटिंग दिखती हो तो आप उन सारी सेटिंग को पढ़ पढ़ के कर लीजिएगा, जिससे आपके वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाए। और नहीं तो फिर आपके पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें डिफ़ॉल्ट क्वालिटी जो सेटिंग होगी उसको चेक कर लीजिएगा। जैसे काइनमास्टर में आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको ये 1080p और इससे भी ऊपर की क्वालिटी दिखाता है, तो वहाँ जाकर अगर आप बिट फ्रेम रेट 30 और हाई HD वीडियो सेलेक्ट करिएगा और उसका पिक्सल रेजोल्यूशन 1080p पीस पर पिक्सल सेट करिएगा, तो आपका वीडियो अच्छा बनेगा और उसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी होगी। काइनमास्टर में ऑडियो रिडक्शन भी दिया रहता है, जिसके मीन्स है कि नॉइज रिडक्शन भी दिया रहता है, जिसका मतलब है कि आपकी अगर कोई नॉइज़ है तो उसको रिमूव कर देगा। ऑडियो एनवेलप दिया रहता है जिससे वीडियो की साउंड बढ़ जाती है, और इक्वलाइजर दिया रहता है जिससे आपका साउंड अच्छा हो सकता है। उसके अलावा हमने आपको लेक्सिस
ऐप भी बताया है जिसमें आप जा करके अपने साउंड को रिड्यूस करके साउंड को अच्छी कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करिएगा तो आपकी साउंड अच्छी हो जाएगी। सो थैंक यू व्यूअर, प्लीज़ फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, गो टू कम्युनिटी एंड आंसर ऑन पोल, एंड प्लीज़ कमेंट और बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है जिसके जिसके ऊपर वीडियो हम बना सकते हैं। थैंक यू।